ठान लिया लक्ष्य है तो उसे हासिल भी करेंगे। जो इन तूफानों से ना डरे वो इन झोंकों से क्या डरेंगे। जय हमारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीव क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। फाइनली डिजिटल बोर्ड आ गया है। हर यूट्यूबर हर टीचर का एक सपना होता है कि वो स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाए, और फाइनली ये आ चुका है। ये मेरे दोस्तों द्वारा मुझे गिफ्ट करा गया है, और आज मैं इस पर अपना फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और मैं बहुत एक्साइटेड था इस बहुत दिनों से, और मैं बहुत दिनों से इसका वेट कर रहा था कि कब डिजिटल बोर्ड आएगा, कब डिजिटल बोर्ड आएगा। मैं लेने में ही था, बट मेरा बर्थडे था तो मेरे दोस्तों ने मुझे गिफ्ट कर दिया है। सबसे पहले तो उन मेरे दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना प्यारा सा गिफ्ट दिया मेरे बर्थडे पे। थैंक यू सो मच गाइस, आई लव यू सो मच। ठीक है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं कौन कौन से बैच लेकर के आ रहा हूँ। अभी अपना एक बैच चल रहा है वनपाल वन रक्षक के लिए, जो बैच चल रहा है ना अपना, एक वाला बैच चल रहा है। दूसरा जो बैच लेकर के आ रहा हूँ मैं, वो SSC CGL और CPO के लिए लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, किसके लिए लेकर के आ रहा हूँ? SSC CGL एंड CPO। इसका पेपर होगा आपका दिसंबर में, और इसका पेपर होगा आपका नवंबर में। ठीक है, मैथ्स का बैच लेकर के आ रहा हूँ, और मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना जो मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत तगड़ा बैच होने वाला है, और ये अभी यूट्यूब पे आपको इससे प्यारा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2018 से लेकर 2022 तक जितने भी SSC ने पेपर करवाए हैं, चाहे वो कोई सा भी पेपर हो आपका, ठीक है, CGL हो, ठीक है, या आपका CPO हो, ठीक है, या आपका CGL हो, सॉरी CHSL हो, या फिर आपका एक और पेपर बचता है जिसे बोलते हैं MTS। ठीक है, 2018 से लेकर 2022 तक जितने भी SSC ने पेपर करवाए हैं, उन सभी पेपर, जितने पेपर हैं उनके करीब करीब आपके 6500 से लेकर 7000 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चंस मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ, और नवंबर से पहले पहले करवा दूंगा। जिस भी बच्चे ने इस बैच को ले लिया, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, जिस भी बच्चे ने फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको बैच मिल रहा है, ठीक है, टेलीग्राम पे आपको पूरी PPT वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराई जाएगी। PPT, ठीक है, सारे काम एकदम बहुत प्यारे होंगे, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, और ये मेरी गारंटी है। जिस भी बच्चे ने इस पूरे लेक्चर को लिया ना, और दोस्त खुद ने मेरे कराने से कुछ नहीं होगा, याद रखना, आपकी खुद की जो सेल्फ स्टडी है ना वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और मेरे पढ़ाने के बाद अगर आपने जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए उसको 2 से 3 बार निकाल लिए, सिर्फ 2 से 3 बार बोल रहा हूँ मैं, इतनी बार भी आपने निकाल लिए, तो मेरी गारंटी है कि आप वहाँ पे 25 में से आप वहाँ पे आराम से 20+ क्वेश्चन करके आओगे। इस चीज़ की मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ इस चीज़ की मैं आपको। बहुत प्यारा बैच होने वाला है, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, इतने क्वेश्चंस आपको फ्री में तो कहीं नहीं मिलने वाले, यूट्यूब पे तो कहीं नहीं मिलेंगे आपको। और जो भी बच्चा है ये बैच में, पता है इसका लेकर के क्या, ये लेक्चर मैं इसलिए लेकर के आ रहा हूँ, जब मैंने खुद ने पढ़ाई चालू करी थी मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। और दूसरा रीजन ये है कि मैंने हमेशा बोला है कि स्टडी स्मार्टर देन हार्डर। ठीक है, बच्चे पता क्या करते हैं, मैंने खुद ने पता क्या करा था, मैंने सबसे पहले बुक सॉल्व करी 7300, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बुक्स बहुत सारी सॉल्व करी क्योंकि मेरे पास टाइम था, क्योंकि मैंने 12th के जस्ट बाद मैंने पढ़ाई चालू कर दी थी। ठीक है, तो मैंने 3 साल पढ़ाई करी आराम से, जम करके पढ़ाई करी, मैंने खूब सारी बुक्स भी निकाली। ठीक है, अभी बच्चे बहुत सारे ऐसे क्या कर रहे हैं, 7300 के पीछे लगे हुए हैं। ठीक है, और कई के बच्चे तो ऐसे हैं जो ओल्ड जो 7300 है उसको ले आते हैं। भाई जो पुरानी 7300 है ना, मैं आपको बताना चाहूँगा, पुरानी 7300 थी ना, इसके अंदर आपके 2018 से पहले के क्वेश्चन है, 2018 के तो क्वेश्चन ही नहीं, 2018 19, 20, 21, 22 क्वेश्चन, और जो पैटर्न चेंज हुआ है वो 2017 के बाद से हुआ था। 2018 में TCS ने बहुत प्यार पेपर दिया, फिर उसके बाद अच्छे पेपर आ रहे हैं, और उन्हीं सिमिलर टाइप्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये बैच आपको बहुत बेनिफिट देगा, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि 2018 से लेकर 2022 के ही क्वेश्चंस, अगर आप कोई बिगनर हो तो उसको यही पढ़ने हैं। ठीक है, सिर्फ ध्यान रखना मेरी बात को,
आपको 2018 से लेकर 2022 तक के कुछ 6,500 या फिर 7,000 के लमसम कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हीं पे फोकस करना है आपको। चाहे कोई भी बंदा हो, बिगनर हो, चाहे कोई भी हो जिसको एक साल हो गया पढ़ते हुए, कितने साल हो गए, कोई मैटर नहीं करता है, आपको इन क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा ध्यान। और इन्हीं क्वेश्चन को मैं इस वीडियो मतलब जो अपना लेक्चर होगा उसमें पूरा सॉल्व करवाऊंगा, पूरा एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा और करीब एक एक दो दो तरीके से करवाऊंगा। टाइम लगेगा लेकिन बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि SSC CGL CHSL MTS, ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश करना। SSC में CGL में मैथ्स में 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, CHSL में भी 25 क्वेश्चन आते हैं और MTS में भी 25 क्वेश्चन आते हैं। इन तीनों में 25 क्वेश्चन आते हैं और तीनों के ये कितने नंबर का होता है, 50 नंबर का होता है। इसमें भी कितने नंबर का होता है, 50 नंबर का होता है शायद। इसमें कितने नंबर का होता है, 25 नंबर का होता है। MTS में आज तक दिया नहीं, ठीक है। तो और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर रहने वाला है इस बार का CPO, जो कि आपके बहुत नजदीक है, ठीक है, CPO जिसमें आपने सुना होगा दिल्ली पुलिस SI, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ्स के। कितने क्वेश्चन आएंगे, 50, ठीक है, 50 क्वेश्चन आएंगे। और दूसरी चीज आपको मैं कैलकुलेशन का भी बताऊंगा, कैलकुलेशन के मैं 3 लेक्चर ले रखे हैं ऑलरेडी, आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है, और भी लेक्चर लूंगा अभी, उनका भी बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा, कैलकुलेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कैलकुलेशन। और मेरी बात समझने की कोशिश करना, कैलकुलेशन तो है ही है आपको, आप जब तक क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे जब तक है ना आपने कोई सी बुक आप अभी सॉल्व कर रहे होगे, कोई सी बुक सॉल्व कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करना, आप क्वेश्चन को जब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपकी कैलकुलेशन अच्छी ना हो, या फिर दूसरा, कैलकुलेशन आपकी अच्छी है लेकिन दूसरा पॉइंट क्या रहता है आपका कि आपने जो बुक सॉल्व कर रहे हो, जो मटेरियल सॉल्व कर रहे हो, उसको आपने 2 से 3 बार सॉल्व ना कराओ। ये भी मैं तो बहुत कम बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, आपके पास टाइम बचा है, अगस्त तो चला ही गया, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, नवंबर में पेपर है CPO और दिसंबर, तो आपके पास कुल मिला के CGL के लिए 3 महीने हैं, ठीक है, और CPO के लिए 2 महीने हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई अपनी, चीज़ें मैंने बता दी आपको क्या क्या आपको करना है, किस किस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ, उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। देखो अपन क्या करने वाले हैं, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री और इसके करीब 400 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, कितने, 400, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे परसेंटेज, ठीक है, फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे रेशियो, ठीक है, फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे ज्योमेट्री, इसी तरीके से सीक्वेंस रहेगा ये, ठीक है, ज्योमेट्री पढ़ेंगे। और ज्योमेट्री से पहले मैं आपको लाइन्स एंड एंगल पढ़ा दूंगा, ज्योमेट्री का वो पार्ट है, बहुत जल्द पढ़ा दूंगा लाइन्स एंड एंगल को, तो और उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा लाइन्स एंड एंगल में, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ज्योमेट्री हो गया, इस तरीके से अपन पढ़ेंगे, पहले मैं कोशिश करूंगा कि एडवांस को कंप्लीट करा दूं, ठीक है। ज्योमेट्री हो गया, मेंशुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सबसे पहले तो अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं जिसमें बहुत लोगों को डर लगता है, पता नहीं क्यों डर लगता है इसमें। ट्रिग्नोमेट्री एक चीज़ याद रखना, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, सबसे पहले तो एक चीज़ समझने की कोशिश करना, आपका पेपर टफ हो सकता है CI SI परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये हो सकता है कि आपके पेपर में टफ आ जाए। रेशो, ये हो सकता है आपके पेपर में टफ आ जाए, क्योंकि ये क्या है, अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक 10th लेवल पे होती है, ठीक है, 10th लेवल से। आपने कभी देखा है कि आपने कभी फाइनल ईयर में अर्थमेटिक पढ़ी हो, ठीक है, मतलब ये चैप्टर्स पढ़े हो आपने, CI SI प्रॉफिट एंड लॉस कभी देखा है आपने, 10th में भी देखा है क्या, 10th में भी, आप बोलोगे नहीं देखा, आपने देखा होगा इसको 8th क्लास में, आपने देखा होगा उसको 9th क्लास में, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री भी आपने देखना चालू करी होगी कहाँ से, 9th, 10th, 11th में देखी होगी आपने, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री आपको इतनी टफ पता नहीं क्यों लग रही है मेरे हिसाब से, आपकी 10th जो है वो अच्छी नहीं रही होगी मेरे हिसाब से, तो तभी आपको इतनी दिक्कत आ रही होगी ट्रिग्नोमेट्री में, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री पूरी 10th लेवल पर आती है, बहुत ईजी आती है। मैं कराऊंगा आपको, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, यहाँ पे ये बैच होगा, इसमें बेसिक भी बताऊंगा आपको, है ना, कोशिश करूंगा कि मैं पूरा बेसिक बताऊँ। क्या 3 महीने रह गए और 3 महीने में बहुत 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 सारा पढ़ना है अपन को, ठीक है। तो मुझे जहाँ लगेगा कि यार ये बेसिक बताना चाहिए वो बेसिक मैं बताऊंगा, और ट्रिग्नोमेट्री को मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, ज्योमेट्री को मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, जो एडवांस आपकी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, दो दो एक एक दो दो घंटे का अपना लेक्चर होगा, सब कुछ आपको मिलेगा, मैराथन क्लासेस भी मिलेगी आपको, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, आपको पेपर जो है ना वो टफ इस पार्ट में से हो सकता है,
CISI, ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एवरेज, इसमें से एग्जामिनर आपको टफ क्वेश्चन दे सकता है क्योंकि ये टेंथ लेवल का पेपर होता है, ठीक है, तो इस चीज को टफ बना सकता है वो, लेकिन कभी भी ज्योमेट्री को, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को, मेंशुरेशन को, ठीक है, इतना टफ नहीं बनाएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात को, इतना टफ नहीं बनाएगा कभी भी, तो इतना डंडे की बात नहीं है। तो अपन सबसे पहले शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। मैंने आपको बता ही दिया ये बैच आपका SSC CGL और आपका CPO दोनों के लिए बहुत 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 आपको बेनिफिट देगा, और मैंने आपको बताया है कि CGL में आप 20+ क्वेश्चंस कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, CGL में आप 20+ क्वेश्चन करोगे, 100% अगर आपने इस बैच को लिया तो। वैसे ज़्यादा ही करके आओगे, फिर भी मैं आपको एक बता रहा हूँ कि इतना तो आप कर दोगे आराम से। प्लस CPO में आप CPO में 40-45 क्वेश्चन तो आराम से लगा करके आओगे। ये पता है मैंने इतना कम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्पीड स्पीड बहुत मैटर करती है। सीजीएल सिर्फ 1 घंटे का पेपर है, 1 घंटे का पेपर, 1 घंटे में ही करना है आपको जो करना है। आपने कितने साल की मेहनत करी हो कोई मायने नहीं रखती, वो जो 1 घंटा है ना सिर्फ वो मायने रखता है, सिर्फ 1 घंटा। उस टाइम आप क्या कर रहे हो, आपका दिमाग किस तरीके से वर्क कर रहा है, सिर्फ वो मैटर करता है, उसके अलावा कुछ भी मैटर नहीं करता। आपने कितने साल की मेहनत करी है वो सब उस 1 घंटे में करना है आपको। आप उस 1 घंटे में किस तरीके अपना दिमाग चलाते हो, उस 1 घंटे की बात है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिन जो उनको पढ़ते हुए 6-6, 5-7 साल हो गए, लेकिन अभी भी उनके CGL नहीं निकले। कभी 1 नंबर से रह जाते हैं, कभी 2 नंबर से रह जाते हैं, कभी 3 नंबर से रह जाते हैं। मैं भी बहुत से पेपरों में 1-1-2 नंबर से रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ वो 1 घंटा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और 1-1 मिनट, और आपको जो टाइम की कीमत है ना, वो 1 घंटा बहुत कुछ समझा देगा आपको, बहुत कुछ समझाएगा वो 1 घंटा आपको। सीखने वाला बहुत कुछ सीखता है, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन उस 1 घंटे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो वो 1 घंटा आपको किस तरीके से यूज में लेना है, किस तरीके से अपने माइंड को यूज में लेना है, आपको सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ। और मैं कोशिश ये करूंगा, जिस दिन मेरे पास 100-150 बच्चों ने कमेंट कर दिया कि लाइव पढ़ाओ, उस दिन के बाद से ये लेक्चर जो है अपना, जो अपन ये जो भी अपना ये कोर्स होने वाला है, इसको मैं लाइव पढ़ाऊंगा इसी चैनल पे। जिस दिन मेरे पास 100-150 बच्चों के कमेंट आ गए कि लाइव पढ़ाओ भैया, लाइव पढ़ाओ सर, तो मैं आपको लाइव पढ़ाना चालू करूंगा। ये मेरी आपसे मेरा आपसे प्रॉमिस है ये कि मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब अपने पास डिजिटल बोर्ड भी है, अपने पास अच्छा सेटअप भी हो गया है, ठीक है। अब अपन लाइव भी पढ़ेंगे, अपन मैं आपको कोर्सेज भी दूंगा, मैं आपको जो भी चीज़ें हो सकती है वो सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। यही था वीडियो मैंने आपको बताया। और दूसरा जो अपना वनपाल LDC का जो बैच चल रहा है, ठीक है, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के जो बच्चे हैं वो देख सकते हैं, आराम से देखें उसको भी। वो मैंने रोक दिया था क्योंकि मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था, मैं लेने वाला था लेकिन मेरे दोस्तों ने गिफ्ट कर दिया, तो मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था। अब मैं उसको भी चालू कर रहा हूँ, उसकी जो मॉर्निंग हो रही थी क्लासेस, या हाँ मॉर्निंग हो रही थी शायद उसकी क्लासेस, तो वो वापस से चालू होने वाली है, ठीक है। यही था वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।